बाबा लो चाय ले लो। चाय ले बेटा। एक बात बता तू, इनका रेंदर का जो झगड़ा है तो उसकी बहू चली गई थी, आ गई वा? सुमन गई है उनके पास। ईब नहीं आ करती सुमन, वह तो सारा फैसला हो लेगा जब सरक की बनता है। हाँ बाबा। जी बैठाएंगे ना उसे, जीभ उठेगी बनता है। सुन ली मैंने सारी। हम के झूठ बोले जो ते सुन ली। अच्छा नहीं, मैंने कुसुम के वहाँ पी ली थी चाय वाय, पी के आई उनके ते। हाँ ऐ सुमन, हरेंद्र के यहाँ के हो गया था। मन्ने ना वा बहू, नो भी पता चल जाए ना गलती किसकी है तो समझा भी दे। हाँ हाँ हो तो सही रहा, पर जिंदगी है अपनी, दिक्कत तो दूसरी तो है ना, जो कुछ है जो हंस के काट ले तो की बिगड़ जाएगा भला। सही कह रहे तुम। अच्छा रेनू, वो सुमंत कहाँ है? वो मंदिर में दान दिया था क्या? वो तो नहीं बताया मैंने भाई को, ताऊ हर के जा रहा, कल आवेगा। बाबा आप दियो कल दान मंदिर में। ठीक है मैं दी अम्मा। ठीक है तड़के दे अम्मा। ठीक है छोड़। मेरा है। मेरा है। मेरा है। मेरा है। मेरा है। छोड़ दे। मेरा है। मेरा है। मेरा है। ओए मेरे पैसे पता पे रटा। मैं नहीं दे रहा। मेरे पैसे दे। मैं नहीं दे रहा। दे दे मेरे पैसे। नहीं दे रहा मैं। अरे दे दे। सबको नहीं मिलता ये पैसा। अगर पैसा है तो इंसान की इज्जत है, अगर पैसा नहीं है तो अपने भी अपनों को पहचानने से मना कर देते हैं। पैसों की इज्जत है आदमी की नहीं, तो बच्चों पैसे की इज्जत करो। डर गए ना? के है तू? कहाँ जा रहा था तू? ताऊ जी के पास। देख मैंने घर में बता दिया है कि तू वकील का बेटा है, अब तू देख ले पापा को खेती पसंद नहीं। ये क्या बात हुई? मैं एक जमींदार का बेटा हूँ और जमींदार का बेटा होना कोई शर्म की बात नहीं है। दिख मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता, अब तू देख ले। तुम्हें क्या नहीं पता तो क्या मैं झूठ बोलूं? ऐसा थोड़ी होता है, मैं झूठ बोलूंगा नहीं और सच में बोल नहीं सकता, तो अब तो मना ही करनी पड़ेगी। वाह, मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या? जब यही सब करना था तो मुझे पहले बता दिया होता। तो मैं क्या ही करूं, चलो मैं तो एक बार को झूठ बोल भी लूंगा, पर घर वालों को कैसे बोलूंगा झूठ बोलने के लिए। चलो मैं देखता हूं। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं ही मिलता हूं तुम्हें मजाक करने के लिए। तो अब क्या किराए पे लाऊं किसी को मजाक करने के लिए? इससे बढ़िया तो ले आ, कहीं ये मजाक ही भारी ना पड़ जाए।
सुन तुन के आज से तू मेरा दोस्त, और बोल दे जो बराबर में बैठा है कि थोड़ा बहुत मुझ पे भी ध्यान दे लिया करे, वरना देखने को भी तरस जाएगा। हाँ तो चली जा जहाँ जाना। ना ना तू नाराज मत हो, इसको हक है बोलने का। अच्छा तुनके, इस तनु भी पूछ ले कि इसने गुरु सच्ची बात करी थी कि वो भी मजाक ही कर रही थी। मैं तो कर ही लूंगी, पर इससे तो पूछ कि मेरे ससुराल में माहौल क्या है। वो तो सब माने हुए हैं, मेरी ही खुशी में खुश हैं, वैसे मैंने सब बताया हुआ है। फिर तो सही है। अब ये तुनके का खेल बंद करेगी या नहीं? नहीं करती। तो मैं जा रहा हूं, इससे ही बात कर ले। अच्छा। बहुत नौटंकी करती है। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। कोशिश तो पूरी करेंगे, पर तुमको टाइम हो जब ना। चल ठीक है। ठीक है। रुक कुत्ते, रुक, रुक जा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रुक जा, रुक, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो। पकड़ो इसे आराम जा, देखो, हे, रुक जा। फुप्पा कहे मुझे, फुप्पा, यू फुप्पा इंसान को एक नजर में जला दे, और तू तो मेरे सामने चूजा है, तन्ने मेरा पसीना काटा, ये फुप्पा तेरा खून काटेगा। फुप्पा खून तो लिकड़ी जा, आज मेरा अतकल को तेरा, बस थोड़ा सा समय का फेर है। सुन ऊपर वाले से दुआ करिए, अक फुप्पा के राज में पैदा ना करे। इब दुआ नी, फेस टू फेस बोल लगा, वो भी प्रभु को जाके। फुप्पा मुहूर्त निकाल इसका। बोल लगा हमारे खिलाफ? हाँ बोल लू माँ। हमारे खिलाफ बोलेगा? हाँ बोल लू माँ। नहीं बोलेगा। इसके इतने टुकड़े करो, इसके घर वाले तो क्या इसकी रूनी से ना पहचान सके। सर 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 सर, वहां पे किसी ने सर किसी का कत्ल कर दिया। सर जल्दी चलो, सर जल्दी चलो, सर वो वहां पे। बहुत दिनों से इंतजार था पुप्पा, लेकिन सबूत नहीं मिले, और आज तो रंगे हाथों पकड़े गए हो। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है, या भांग पी ली? मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, और अपने होश आवास में हूँ। यह आपने सोच भी कैसे लिया
कि मैं आपके खिलाफ जा सकता हूँ। वाह दरोगा वाह। चेहरा इतना मासूम और काम हैवानी है क्यों किया उसका कत्ल? मैंने कत्ल यानी तुम भी इन्हीं के साथ मिले हुए हो। अब तक भी पता नहीं चला तुझे। आज से तू भी शामिल हो गया इस तस्करी के धंधे में और आपस में दोनों की लड़ाई पैसों को लेकर। अच्छा, एक ने दूसरे को मारा और शक्ल से लगता था मासूम। अरे पकड़ो इसे, भागने ना पाए। आओ मुखिया आओ। आ गए फुप्पा आ गए। आओ बैठो। अच्छा, अकेले आते डर नहीं लगता? या फिर आगे मुखिया नहीं बनना? आगे बनना है तभी तो आपसे रिश्ता है। वैसे एक बात है, राजनीति कोई शरीफों का काम नहीं है। सही कह रहे हो मुखिया, तुम भी तो गुंडे ही हो, बस थोड़े तौर तरीके अलग हैं। अच्छा फूफा, इसमें 30 लाख है, बाकी पहुंच जाएंगे काम होने के बाद। और काम समय पर हो जाना चाहिए क्योंकि इस समय की बहुत कीमत होती है। अगर कीमत बड़ी है तो जाहिर सी बात है मुर्गा भी बड़ा ही होगा। किसी चूजे की इतनी कीमत नहीं देते मुझे। हाँ पप्पा, मैं कर्णजीत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो जिंदा है मैं मुखिया नहीं बन सकता, बस ये नाम ही रह जाएगा। कर्णजीत कहीं गांव का सरपंच तो नहीं? हाँ वो ही है। अरे जब काम दे ही दिया है तो पूरा भी होगा, समझो हो गया पूरा। अरे मुखिया बनोगे तो काम तो हमारे ही आओगे। रेणु, ए रेणु। हाँ बाबा। ए कहाँ है? ए रेणु।
हाँ बाबा। जाऊं मैं मंदिर में? चाय तो पीते जाते। चाय में आके पीमा। ठीक है चल रहा मैं। भाई। हाँ भाई। ये सुमंत रामवीर का ही लौंडा है? हाँ। अच्छा, इनने तो मर्डर कर दिया भाई। अच्छा रे। हाँ, ये तो पकड़ा जाएगा भाई। हाँ, और के भाई छोड़ दे पुलिस। नहीं छोड़ दे भाई, फांसी लगा भाई। अरे क्या हाल है प्रमोद? मारी भी सुपारी देवगा के मारे हाल बढ़िया देख के। अरे के हो गया, क्यों गलत बोल रहा? तुम तो काम गलत भी करो और हम गलत बोल भी ना। के हुआ साफ साफ बताने। हाँ तो जाके पता, तेरे लोंडे ने खून कर दिया। खून कर दिया? तेरा दिमाग तो ठीक है? के कह रहा? मेरा दिमाग तो ठीक है, ले एक बार मैं पढ़ ले, यू लिख रहा हूँ। हेलो। हाँ राहुल। अरे मैं कह रहा था सुमंत आया था कि थे इधर है? नहीं। एक बात बता तू, कल तो आया था। क्या हुआ बाबा? फिर चल ठीक है तो। क्या हुआ बाबा? हेलो। हाँ सुधीर। हेलो, सुमंत का बाबा बोल रहा मैं। मैनू कह रहा हूँ बाबा, क्या हुआ? सुमंत आया था कि तेरे लोग? नहीं आया, वहां भी नहीं गया। बाबा क्या हुआ बताओ तो। फोन कर दिया तेरे भाई ने। के भैया बता दो उसे। हाँ पप्पा बताओ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे कुछ खबर खुद भी दे दिया करो, बार बार फोन करना जरूरी है क्या? हाँ पप्पा, क्यों मजाक करते हो, साफ साफ बताओ किस बारे में बात कर रहे हो? अरे उसी मच्छर के बारे में जो भाग गया था। मैं नहीं चाहता मेरे खिलाफ कोई सबूत बचे। जी यही तो आपकी खास बात है कि आप कोई सबूत नहीं छोड़ते, लेकिन टेंशन ना लो, बहुत जल्दी वो आपके सामने होगा। सामने होगा तो ही बढ़िया रहेगा, वरना परेशानी दोनों को हो सकती है, और ये बात अपने दिमाग में रखना। ये कोई पहला मामला थोड़ी है जो आप ऐसे बोल रहे हो, आप फिक्र मत करो। फिक्र होती तो ये फुप्पा फुप्पा ना होता, बस तू उसे संभाल। जी उसकी टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो, ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज करूंगा कि इतने कांड तो उसके खानदान ने भी नहीं किए होंगे। अच्छी बात है। पप्पा पुलिस वालों की दोस्ती भी सच्ची होती है और दुश्मनी भी, अब बेफिक्र हो जाओ।
मैं क्यों कर मान लूं, सुमंत को जरूरत के थी इतना गंदा काम करने की। ऐसा कुछ नहीं पावे, तुम देख लेना। यू सारा गांव, ये अखबार, ये सब झूठ बोल रहे। चल मैं मान लिया झूठ भी है, पर वो सामी क्यों नहीं आ रहा? मुझे पता है बाबा, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ए, कहाँ है वो, जल्दी बताओ। दरोगा जी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, और जो हमें पता होता तो हम उसे थरे धरे लेके आ जाते। ये बात बोलने से उसकी गलती नहीं छिप जाएगी, वो तेरा बेटा है, तुझे पता जरूर होगा। दरोगा जी, हमें उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, पर आपको गलत फहमी है, उसने ऐसा काम करा ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता, मर्डर वो कर ही नहीं सकता। मुझे आगे की मत बताओ, इन भोले चेहरों के पीछे ही शैतान छुपा होता है, और उसने कोई छोटा काम नहीं किया, मर्डर किया है, मर्डर। आज नहीं तो कल हाथ तो मेरे जरूर आएगा। दरोगा जी, जो उसने ये काम करा होगा ना, तो उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। करा होगा नहीं, उसी ने किया है, और मैं ये कहता हूँ जैसे ही वो यहाँ आए उसे तुरंत थाने लेकर आ जाना, नहीं तो सारों को अंदर कर दूंगा, समझे? ईप के लेने आया तू यहाँ जी? सुमन कहते जा, भाग जगह अंतर था। बाबा पर मेरी बात तो सुनो। तू जा अंतर था, मैं बुलाऊ पुलिस को। ओ बाबूजी, कान खोल के सुन ले, मैं तो जनु कह रहे इतना मजबूर ना करे, मजे खुद को खोना पड़ जा। सुमन बोल तो कुछ बाबा को, मान भी कैसे लिया आपने कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं? सुमन समझा तो सही। मैं तेरी सुन भी लेता, मजे नू भी पता यू काम तय नहीं करा, पर जो तेरा यू मुंह छुपा के भागना है ना, यू तेरी बेकसूरी पे सवाल खड़ा करे सवाल। अगर मैं नहीं भागता तो अब तक जेल में होता। तो चला जाता, हम अपने आप छुटा लेते। आप किसके हवाले करते जिन्होंने कत्ल किया है? आपको लगता है कि वो मुझे छोड़कर खुद को बेगुनाह साबित करते? तू कहना के चाह रहा, साफ साफ बताना। हाँ बाबा, मैं कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे फंसाया गया है। कल जब मैं ताऊ के पास जा रहा था तो कुछ बदमाशों ने मिलकर किसी लड़के का कत्ल कर दिया। अच्छा, तो वहां से मैं चुपचाप भाग भी सकता था, पर मेरा ये दिल नहीं माना। जब मैं पुलिस वालों को उनके पास लेकर गया तो उन्होंने उल्टा इल्जाम मुझ पे ही डाल दिया। मैं इसलिए भागा था बाबा, नहीं तो अब तक वो मुझे भी मार चुके होते। चल कोई बात नहीं, तू चिंता ना मानना, तू अपना फर्ज पूरा करया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाना तो वफा करने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ बाबा। चल तू एक बात बता, ठीक तो है तू? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए सुमन, चल रोटी गालिश के लिए। हाँ बाबा। नहीं सुमन, बाबा इतना टाइम नहीं है, मैं निकलता हूँ। चल ठीक है, तू इतने बाहर ही रहो, इतने ही मामला से ठंडा हुआ है, यहाँ से मैं देख लूंगा। जिस मैटर में फुप्पा का नाम आ जाए उसमें पलट कर नहीं बोला करते। तुम जानते थे कि मुखिया मेरा आदमी है, फिर भी तुम खड़े हुए उसके सामने। बोलेगा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। हाँ मुखिया, तेरा काम हो गया, लेकिन याद रहे बाकी का पेमेंट चाकू का खून सूखने से पहले पहले आ जाना चाहिए, ताकि मेरा दिल बाग बाग हो जाए, समझा? किसने दिया? नौ बजे मंदिर के पीछे मिलना सुमंत।
मैं हूं सुमंत पायल। ठीक है, तू क्या हो गया है ये सब? जब बुरे समय की नजर किसी पर पड़ती है ना, तो क्या होता है वो आज पता चला। मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, उधर बाबा कभी नहीं पता वे कैसे होंगे। तू छोड़, तू दुखी क्यों होती है? तुझे दुखी होने के लिए थोड़ी बुलाया है यहाँ। ये बता, खाने के लिए क्या लेके आई है? क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये सोच रहा था कि बाबा ने भी खाई होगी या नहीं। अरे तू ही तो बोलता है कि समय बुरा ही सही, पर समय की खासियत होती है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता। तू परेशान ना हो। सही बोल रही है, पर ये सब तेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ना सही, पर किसी ना किसी के साथ तो होना ही था, तो मेरे साथ ही सही। जब आदमी अपनी जरूरतों को छोड़कर अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है ना, तो उसे कुछ समय की खुशी जरूर मिल जाती है, पर पीछे कितने आदमियों की जिंदगी खराब होती है वो उसको भी पता नहीं चलता। तू परेशान ना हो, बुराई के साथ कभी अच्छा नहीं होता। जो उन्होंने किया है ना, उनके साथ भी जरूर होगा। पायल, मैं ये बोल रहा था कि तू, कि मैं तो घर जा नहीं सकता, घर के बाहर पुलिस होती है। तू जाकर एक बार बाबा का पता ले आ। हाँ, मैं कल ही जाऊंगी। पता नहीं है कब खत्म होगा, कुछ ही दिनों की बात है। क्या वजह थी दादी जो फूफा ने आपके पोते को मारा? फूफा को मारने के लिए किसी की वजह की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था? उसके वहां वो नौकरी करे था और वे गलत काम करवावे थे। जब उसे पता चला तो वो मार दिया कमीनों ने। अच्छा दादी, पता नहीं उसका इल्जाम किस बेचारे पर लगा दिया। दादी वो मैं ही हूं। उस दिन से सब छूट गया, घर रिश्तेदार दोस्त, बस पुलिस से बचता भाग रहा हूं। उस फूफा को क्या मिला? तीन तीन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी उनने। इब बता मैं कहाँ जाऊँ? मेरा एक ही सहारा था, वो भी मार दिया। इस उम्र में कहाँ जाऊँ? आप फिक्र मत करो, आज से मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी।
कौन हो तुम? सुनसान जगह पर बेहोश मिला था मुझे तू। भूख प्यास के कारण हुआ या कहीं से भाग के आया तू? वो पुलिस? दिक्कत मत ले, रफीक अब्दुल के अड्डे पर पुलिस का कोई काम नहीं। अगर मेरा तजुर्बा ठीक कहता है तो तू जरूर किसी ना किसी परेशानी में है। पुप्पा ने एक बेकसूर का कत्ल किया, जब मैंने पुलिस को बताया तो उल्टा उन्होंने मुझे ही फंसा दिया। समझ नहीं आता अब क्या करूं। यही तो बेवकूफी है, ना वो समय है और ना ही वो लोग। फूफा जैसे आदमी को मारने के लिए फूफा बनना पड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, उसमें और मुझ में फर्क ही क्या होगा फिर? तो पुलिस को बताने का सिला तुमने देख ही लिया होगा। अपना मुकद्दर अपने आप बनाया और बिगाड़ा जाता है बेटा। पर मेरा मुकद्दर खराब करने में किसी और का हाथ है। तो खराब मुकद्दर बेहतर कैसे हो वो देखना है। मैंने भी कुछ ऐसे ही हालात में हथियार उठाए थे जो आज तक रख नहीं पाया। और लगता है अब तेरे भी ऐसे ही हालात हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कोई नहीं, अभी नए हो तुम, आओ खाना खाते हैं। सुमन, तू ठीक तो है? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? तू इतने दिन तक रह कहाँ रहा? बस बाबा, घूम रहा हूँ इधर उधर ही। अच्छा बाबा, मैं उस लड़के के घर वालों से मिला था। अच्छा अच्छा बाबा, आपको पता है उसके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ है, वो फुप्पा के साथ काम करता था। फुप्पा बहुत ही गलत काम करता है, तो उसे उसके गलत कामों का पता चल गया और फुप्पा ने उसको। अच्छा बाबा, मैं बोल रहा था कि उसकी माँ के लिए थोड़े पैसे दे देते आप। अरे उसे पैसे की जरूरत नहीं है, उसे एक बेटे की जरूरत है, सारे की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। दे सके तो ये चीज दे, ठीक है ना? बदला ले सके तो उसका तो बदला ले ले। उस चूजे ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मुझे हर हाल में चाहिए वो चूजा, कहीं से भी लेकर आओ, हर हाल में चाहिए। अब क्या सोचा है? अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म सी हो गई है, पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पर आकर रुक सी गई है। तुम परेशान ना हो, सब सही होगा। अरे मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो सिर्फ बाबा की फिक्र है। और पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वो और परेशान करेंगे। अब तो इस चीज का अंत करना ही होगा। पर गलत तो गलत है ना, और मुझे नहीं लगता किसका अंजाम सही होगा। अब भी बिना गलती के तुम्हें भुगत रहे हो और आगे भी तुम्हें भुगतोगे। बेशक गलत होगा, पर गलत के साथ गलत करना कोई पाप नहीं होता। ये मेरे साथ हुआ है और ना जाने कितनों के साथ होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जो भी करोगे सही करोगे। अच्छा तो ठीक है, मुझे क्या होगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। अरे वो अक्षय के निकाह के लिए पैसे पहुंचा दिए थे क्या? जी हाँ जी, पहुंचा दिए थे।
लगता है वो समय आ गया है बेटे। आपने बिल्कुल सही बोला था, इसकी जड़ में डाला तो किसी और ने है, पर इस कीचड़ को साफ किए बिना इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। तो क्या सोचा है बेटा? मुझे आपकी मदद चाहिए, पर जाने से पहले एक बार घर जरूर मिलके आना, क्योंकि वहां पे तुम्हारी हार भी हो सकती है। ठीक है। लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। वाह क्या बात है, ऐसा मुजरिम तो हम पहली बार ही देख रहे हैं जब पुलिस के सामने अपना आप ही आ गया। बाकी उस आदमी को निपटा दो, क्या करना उसका, खत्म करो उसे। हाँ जी ठीक है जी, काम हो जाना चाहिए। बाकी लग जाओ काम पे, बस निपटा दो, खत्म कर दो उसे। तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत तो है पुप्पा इसमें, वरना आने की छोड़ो, सोचना भी खतरनाक था। कोई बात नहीं, जब आएगा है तो इसका भी हिसाब कर देते हैं। मारो इसे। मत छोड़ना, मारो और मारो। क्यों पुप्पा, लगता है ना डर? उसने बोला था खून सबका बहता है, आज मेरा तो कल तेरा, देख आ गया वही समय। अरे अरे कौन बोला मेरे बच्चे खून बहाने को? तू प्यार से बोलता तो मैं तब भी मान जाता। मत मारना मेरे बच्चे, मत मारना मुझे, मत मारना मुझे, मत मारना मेरे बच्चे। अब बच्चा दिखता हूं, तेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं तुझको माफ कर दूं। माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटे, माफ कर दे मुझे। नहीं पुप्पा नहीं, बहुत बोल लिया तू। अब नहीं बोलेगा,
Mm-hmm.